गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है। टुडे आई विल टेल फिजिक्स क्लास 11 टॉपिक मोशन इन टू डायमेंशन। तो जैसा कि ये टॉपिक से पता लग रहा है कि इसमें जो मोशन बताए जाएंगे ये दो डायरेक्शन में मोशन बताए जाएंगे, ठीक है। दो डायरेक्शन में मोशन क्या है वो कैसे कह सकते हैं आप कि दो डायरेक्शन में मोशन, आप जानते हैं एक्सिस या पोल्स आप कह लीजिए, दो पोल होते हैं, ठीक है। ये देखिए दो पोल होते हैं, एक आपका एक्स होता है दूसरा वाई होता है, ठीक। तो आप ये समझ लीजिए कि दो पोल्स में, दोनों पोल्स में मोशन होना इन वन टाइम, एक ही समय में दोनों पोल्स के थ्रू मोशन होना, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया जो दोनों पोल्स के थ्रू पहले वो हाइट में गई मींस वर्टिकल गई फिर हॉरिजेंटल हुई, इस टाइप के जो मोशन होते हैं वो टू डायमेंशनल मोशन कहलाते हैं। और टू डायमेंशनल मोशन का में इस मोशन को, इस टाइप के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आई विल टेल अबाउट टुडे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन हिंदी में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रक्षेप्य गति, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कहने का मतलब यह है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, ठीक है, तो वो पहले आपके हाथ से छूटी थ्रो करने के बाद, ठीक है, तो वो पहले वर्टिकल में जाने के बाद आफ्टर कवरिंग द सब डिस्टेंस वो फिर हॉरिजॉन्टल में कवर करती है। कैसे होती है ये देख लीजिए। ये देखिए, ठीक, आप जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमने यहां से थ्रो किया, ये ठीक, तो देखिए ये इसकी मैक्सिमम हाइट हुई, ठीक, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट होने के बाद ये इसने अपनी डिस्टेंस तय की, और ये डिस्टेंस जो कहलाती है इसकी रेंज कहलाती है, ये आर रेंज कहलाती है, ठीक है। तो जब रेंज कहलाती है तो यहां ये ओ हो गया आपका, और ये एक्स हो गया, और ये वाई हो गया, ठीक, ये बात आती है। अब इसके बाद होती बात ये है कि यहां से जब इसने यहां किया तो ये यहां पे इसने थीटा एंगल प्रोड्यूस की, ये देखिए थीटा एंगल प्रोड्यूस की, और थीटा एंगल प्रोड्यूस करने के बाद फिर जब नीचे आई वापस यहां पे तो यहां पे इसने यहां पे भी थीटा एंगल प्रोड्यूस की, ठीक है। तो जब अब एक्स पे गई, ये देखिए एक्स आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी में जाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी बाय द ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी बाय ऑब्जेक्ट, ठीक, तो भाई उसने पहले एक्स लेंगे, ठीक है, फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है, फॉर एक्स एक्सिस, ठीक, तो उसने वो हॉरिजॉन्टल गई, ठीक है, तो यू एक्स जो हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, साइन थीटा और कॉस थीटा जब लेंगे तो इसमें आप कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में तो बेस ही में जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, मींस आप ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल जा रहा है ऑब्जेक्ट आपका, तो यू कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा यू एक्स, और यू वाई लेंगे तो वर्टिकल में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा यू साइन थीटा हो जाएगा, यू साइन थीटा, ठीक। और ये एक चीज बता दें, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से यहां डिस्प्लेस, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू, ठीक है, बाय डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस उसने कवर की, जैसे सीधी सी बात है एक्स डिस्टेंस कवर की है, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अब उसके बाद भाई सीधे सीधे बात हॉरिजॉन्टल में जा रहा है आपका, तो हॉरिजॉन्टल में क्या लगेगा यू कॉस थीटा, ठीक है, यू कॉस थीटा इनटू टाइम टी, ठीक, यू इतना हो गया, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वर्टिकल,
डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वर्टिकल। तब देखिए डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वर्टिकल की जब बात आती है तो मोशन के तीन इक्वेशन याद आते हैं, ठीक है। तो मोशन के तीन इक्वेशन क्या थे फॉर हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में नहीं, हॉरिजेंटल में। पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा था v s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। अब यही चीज जब वर्टिकल में हो जाए, मतलब हाइट कवर करे, वो हाइट में जाए, तब हाइट में जाने पे क्या होगा, हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वर्टिकल, जब हाइट में गई तो जो डिस्टेंस s कवर करती थी वो हाइट में चली जाएगी, मीन्स h रखा जाएगा यहां पे, इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ, एक्सेलरेशन वहां पे होता था, एक्सेलरेशन हॉरिजेंटल में होता था a, और यहां पे वर्टिकल पे तो कोई भी चीज ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आती है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब देखिए जब डिस्टेंस कवर की तो ये आपकी एक्स वाई एक्सिस पे जा रही है, ठीक है। तो h जो जा रही है वो आपकी y एक्सिस में जा रही है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, y इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या रखी जाएगी, u की वैल्यू वर्टिकल जा रही है तो रखी जाएगी u साइन थीटा, वर्टिकल जा रही है तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर रख दिया जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन टू जी टी स्क्वायर, ठीक। आप एक काम करिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, जो आपने x की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी निकाली है, ठीक। अब एक काम करें, अब t की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से फाइंड कर लीजिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ t बाय फर्स्ट इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, तो भाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक। और उसके बाद एक चीज बता दें, वाई की वैल्यू जो आपने यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इस t की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, ठीक है। इस t की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो देखिए पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टाइम, t की वैल्यू रख देंगे, x अपॉन u cos थीटा माइनस वन अपॉन टू जी x अपॉन u cos थीटा होला स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये u और ये u कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, y इज इक्वल टू x इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू टैन थीटा के बराबर हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू x टैन थीटा माइनस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका वर्टिकल में डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिकल निकल गया, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब फ्लाइट टाइम निकालने, ठीक है, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, देख लीजिए ये फिगर एरेज नहीं करेंगे, इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। फ्लाइट टाइम कैसे निकालेंगे, मतलब जितनी देर हवा में रही, जितनी देर हाइट में रही, ठीक है, कि वो समय कैसे निकालना है कि कितनी टाइम तक वो हवा में रही। तो फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल देख लीजिए, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है,
तो फ्लाइट टाइम प्रोजेक्ट टाइम निकालने के लिए आपको मोशन का पहला इक्वेशन याद करना पड़ेगा, याद मतलब दिमाग में लाना पड़ेगा। तो मोशन का पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब यहाँ हाइट की बात हो रही है, फ्लाइट टाइम की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है। तो बाय v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या है, जीरो हो जा रही है, तो v इज इक्वल टू जीरो, मतलब u माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब ड्यू टू वर्टिकल की बात हो रही है, तो यू ड्यू टू वर्टिकल लिख देंगे, ड्यू टू वर्टिकल u इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका u साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब क्या होगा, u साइन ये माइनस जी टी को ट्रांसफर करेंगे तो u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन g, ठीक। अब एक चीज बता दें, ये फ्लाइट टाइम जो निकला है इतने का निकला है, तो भाई जब इतना ये t है तो ये भी आपका t हो जाएगा, मीन्स 2t के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल फ्लाइट टाइम, ठीक है, टोटल फ्लाइट टाइम निकाल लेंगे, देख लीजिए, टोटल फ्लाइट टाइम t इज इक्वल टू टी, टू इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो t इज इक्वल टू हो गया टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये आपका फ्लाइट टाइम क्लियर हो गया, ठीक है। अब आती है बात, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में कितनी हाइट, मैक्सिमम कितनी हाइट वो कवर करेगी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल देख लीजिए, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल देख लें, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और जब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात आती है तब लगा देंगे मोशन का तीसरा इक्वेशन, ड्यू टू हाइट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस टू जी एच, ठीक है। और एज यूजुअल आप जानते हैं v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, तो u स्क्वायर माइनस टू जी एच इज इक्वल टू जीरो, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच हो जाएगा, ठीक है। तो u की वैल्यू हाइट में बात कर रहे हैं, तो u तो ड्यू टू हाइट u इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा, तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी एच, और h इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी के बराबर, ये आपका हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है। अब बचा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब ये कितना डिस्टेंस, हमने बताया ना ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा ड्यू टू हॉरिजेंटल, ठीक है। तो देख लीजिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात आती है तो इतनी चीज डिस्टेंस रेंज कही जाती है, तो रेंज इक्वल टू, अब एक चीज देखने वाली बात है, हॉरिजॉन्टल में x डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो यह हो जाएगा ux इंटू टोटल टाइम, इतनी डिस्टेंस यहां तक की नहीं, टोटल 2t की, मतलब कैपिटल t की वैल्यू 2t के बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। तब ux की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, u cos थीटा आप रख देंगे, क्या रखेंगे, u cos थीटा, तो r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू, और कैपिटल टी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, कैपिटल टी की वैल्यू निकाली है टू यू साइन थीटा अपॉन जी, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये हो गया आपका,
ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लें तो R इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। u स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं तो R इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होती है उसमें मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा के इक्वल, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू।